असल बड़ी खबर आ रही जयपुर से, गरमाई है सिविल लाइंस कांग्रेस के आंतरिक सियासत। हाईटेज मेयर मुनेश गुर्जर करेंगे विधानसभा टिकट के लिए आवेदन। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करेंगी। शाम 5:30 बजे शहर कांग्रेस कार्यालय जाने का उनका कार्यक्रम है और इस लिहाज से जो तस्वीर नजर आ रही है, सिविल लाइंस कांग्रेस की आंतरिक सियासत अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर है। हाईटेज मेयर मुनेश गुर्जर विधानसभा टिकट के लिए आवेदन करेंगी। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से करेंगी वो आवेदन। शाम 5:30 बजे शहर कांग्रेस कार्यालय जाने का उनका कार्यक्रम है जहां वो विधानसभा टिकट के लिए आवेदन करेंगी। हालांकि वापस अपने कुर्सी पर वापस हो चुकी हैं मेयर, हाईटेज मेयर के तौर पर मुनेश गुर्जर, लेकिन अब जिस तरह से सिविल लाइन कांग्रेस की आंतरिक सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं सियासत थी, और अब जब विधानसभा टिकट के लिए आवेदन कर रही हैं मुनेश गुर्जर, तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, हालांकि अभी अभी हेरिटेज मेयर को कुछ राहत मिली, लेकिन अब विधानसभा टिकट के लिए आवेदन करना, इसे किस तरह से देखे नजर आता है कि अब आंतरिक सियासत कांग्रेस की सिविल लाइन को लेकर गर्माएगी? देखिए श्वेता, बड़ी खबर है, पूरी सिविल लाइन की कांग्रेस की पॉलिटिक्स पान पर आ गई है, क्योंकि अब तक वो ध्यान होगा कि जयपुर में सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो आवेदन आए थे, सब आवेदन तकरीबन 4 से 5 आवेदन ही सिविल लाइन विधानसभा के लिए आए थे। साफ था कि प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनौती देने वाला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पर नहीं था। का एपिसोड आप देख रही हैं कि मेयर प्रकरण को लेकर इसके एक और देश की मेयर के बीच में जो राजनीतिक रस्ता सस्ती चल रही है, तो मुझे लगता है कि मेयर वहां से उनके लिए टिकट मांग रही है, कांग्रेस से आवेदन करेगी मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन अब सिंह खाजरियावास मुनेश गुर्जर को यहाँ तक पहुंचाया, पद तक पहुंचाया, का टिकट दिया, गुजर जो मुनीश गुजर के वो एक जमाने भर तक प्रताप सिंह खाचरियावास के ही कार्यकर्ता रहे, कार्यकर्ता ने ही बगावत के हालात पैदा कर दिए। कहा जा सकता है कि बहुत ही दिलचस्प गणित हो रहा है। सिंह मामडोली जो कि राजपूत नेता है, सेना के संस्थापक सदस्य रहे, वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, सिविल लाइन्स आवेदन किया है, ये भी एक बड़ी खबर। तो सिविल लाइंस कांग्रेस की आंतरिक सियासत गरमाई हुई है, और देखिए बेहद अहम भी है, जहां मुनेश गुर्जर जिन्हें पहले कोई जानता भी नहीं था, उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं, लेकिन वो नाम मेयर के तौर पर सामने आया, हेरिटेज मेयर के तौर पर जिम्मेदारी को निभाया, और प्रताप सिंह खाचरियावास कहते कि वही उन्हें लेकर आए, ये नाम सामने रखा, मौका दिया गया, लेकिन अब आखिर क्या हुआ, किस तरह से आंतरिक विवाद बढ़ता जा रहा है, विवाद और सियासत इस कदर कि अब विधानसभा टिकट के लिए एक ही सीट पर आमने सामने आने की कोशिश या टिकट की दावेदारी के लिए कोशिश की, आखिर कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुश्किल कि इतने दावेदार दिया किसे टिकट जाए, जो जिताऊ है टिकाऊ है उसकी बात की जाती है, लेकिन अचानक से विधानसभा टिकट के लिए आवेदन करना भी कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है आंतरिक सियासत को लेकर कांग्रेस की, खासतौर से सिविल लाइन।